आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। इस संसार में सदियों से ही गुरु को सर्वोपरि दर्जा मिला है, जहां गुरु को माता पिता से ऊपर भी माना जाता है। लेकिन गुरु ही भक्षक बन जाए तो क्या इस देश का भविष्य बन सकता है? वही यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि उनकी सरकार में महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होगा। सीएम बनने पर उन्होंने अपनी शपथ में कहा था कि जितने भी यूपी में अपराधी हैं, या तो यूपी छोड़ चले जाएं या अपराध को छोड़ दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो अपराध पुरानी सरकार में थमे, ना इस सरकार में। और ऐसा ही एक घिनौना अपराध सामने आया, जहां एक दरिंदे शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को एडमिशन दिलाने के नाम पर दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया। यह मामला है थाना ताजगंज क्षेत्र का, जहां नाबालिग छात्रा आईटीआई में एडमिशन लेना चाहती थी और एडमिशन के चक्कर में शिक्षक संत कुमार के संपर्क में आई। चाहते हैं सर कि मेरी बेटी को न्याय मिले और इसको कड़ी से कड़ी सजा देनी। मेरी बेटी को ये बोल के ले गया था कि आईटीआई का फॉर्म भरवा रहा हूँ और उसमें इसको साइन करना है, आधार कार्ड और फोटो लेके गया था। फिर क्या हुआ? कि 5 तारीख को इसका पेपर है, 5 और 6 का आईटीआई का। अच्छा। तो हमने कहा कि भैया अकेले मैं नहीं भेजूंगी, या तो अपने छोटे लड़के को भेज रही हूँ या मैं चलती हूँ। तो ये बोला था कि संत कुमार ने कि नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ये तुम्हारी बेटी है तो हमारी भी बहन बेटी है, और एक लड़की और जा रही है, आप टेंशन मत लो, सागा मिलेगी और दोनों लड़कियों का साइन करवाना है वहाँ पे। हमारी बेटी के साथ धोखे से बुला के ले गए आईटीआई के फॉर्म भराने के धोखे में, और उसके साथ होटल में ले जाके धमका के मारा भी है और उसके साथ दुष्कर्म किया है। जहां अपराधी शिक्षक ने पहले तो नाबालिग लड़की के परिवार के साथ संबंध बनाए, उसके बाद एडमिशन दिलाने के नाम पर बच्ची को होटल में ले जाकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी अपराध को अंजाम दे डाला। फिलहाल अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस कलयुगी दरिंदे गुरु की वजह से एक बार फिर सम्मानी गुरु शब्द पर दाग लग गया है। कौन सा होटल है? जी था ताज अंजीर, ताजगंज में था। याद कौन सा होटल? ताज नगरी ताज अंजीर, नाम नहीं आ रहा है। तो क्या किया तुमने वो लड़की के साथ? कुछ नहीं था, जो कुछ किया वो किया। पछतावा है तुम्हें ये जो किया? दूसरी बात ये है कि होटल में आप गए, कोई आईडी वाईडी ली गई आपकी? नहीं। कितने रुपए लिए थे होटल वाले ने? 500। घंटे के दिए? घंटे के हिसाब से? क्या लालच देने के लिए? नहीं। लड़की को क्या लालच दिया था? कोई लालच? आरोप है कि उसका एडमिशन आईटीआई में करा रहे थे आप? एडमिशन है उसका आईटीआई। संपर्क में कैसे आए? कैसे बुलाया होटल में? किस बहाने से बुलाया? किस बहाने से बुलाया? कैसे बुलाया आपने? कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। टीचर है? कहां टीचर है? उस मामले में कुछ आप करते क्या हैं? अब ये बताइए, आप करते क्या हैं? कुछ नहीं करते। अरे करते क्या हैं आप ये बताइए, आप टीचर हैं? टीचर कौन से कहां पर? प्रेजेंटेशन आईटीआई। आईटीआई में हो तो अब इसी बहाने से बुला लिया आपने कि पेपर अच्छा दिलाएंगे? पेपर है इसका? टीचर नहीं पूछ सकते मैं? आप 5 का पेपर है कल का। तो आपने क्या प्रवेश पत्र के नाम क्या बात कर रहे हैं? प्रवेश पत्र के नाम पे प्रवेश पत्र भी आ गए रखे हुए। तो आपने क्या बोला था, किसके लिए आप लेके आ रहे थे लड़की के साथ? भाई कॉलेज से वो मिलेंगे प्रवेश पत्र। इससे पहले औरों के साथ भी किया क्या? नहीं घिनौना कर किया। दरअसल ये मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है। नाबालिग छात्रा काल्पनिक नाम सुधा आईटीआई में एडमिशन लेना चाहती थी, जिसको लेकर गुरु का दर्जा कहे जाने वाले शिक्षक संत कुमार छात्रा के परिवार के संपर्क में आया। घटना 3 फरवरी दिन शनिवार दोपहर 11 बजे की है। कल रात ही घटना है और ये प्रकरण सामने आया था कि नाबालिग बच्ची को बच्ची के साथ उसका एडमिशन कराने की झांसा देकर के एक आईटीआई कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए झांसा देकर ले आया था और उसके साथ उसने रेप किया है। और ये घटना सत्य है, जाँच चल रही है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नहीं, अभी तक जो बात प्रकाश में आई है वो टीचर नहीं है, वो एडमिशन का काम कराता है, दलाली काम करता है। टीचर अभी तक नहीं है, जांच चल रही है। ऐसे में होटल वाले में जैसे 500 रुपए बिना आईडी के उसने कमरा दिया? बिल्कुल बिल्कुल, होटल वाले को भी हम लोग मुलजिम बनाएंगे इसमें, और किन परिस्थितियों में कैसे रूम दिया नाजायज तरीके से, इसके हम लोग जाँच कर रहे हैं, उसको भी मुलजिम बनाया जाएगा।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं जिसने बिना आईडी के होटल दिया उस पर भी कार्रवाई करने की पुलिस बात कह रही है। आगरा से समाचार ए टू जेड के लिए बालकिशन वर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड।